वैसे तो यार देखो, ये बात सबको पता है, जिनके ऑलरेडी पैची बियर्ड होते हैं उनके बियर्ड की डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, बालों की संख्या बहुत कम होती है भाई, लेकिन पैची बियर्ड पे ना मिनोक्सिडिल बहुत अच्छे से वर्क करता है। देखो मैं कई वीडियो बनाया हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ भाई, जिनके ऑलरेडी नेचुरल बियर्ड होते हैं, अगर वो बंदा फुल बियर्ड ग्रो करना चाहते हैं ना, तो भाई उस बंदे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मतलब देखो मिनोक्सिडिल उसमें बहुत तेज़ी से वर्क करता है। ओके, तो भाई यहाँ पर देख लो, इनके ऑलरेडी पैची बियर्ड है, लेकिन हाँ पैची बियर्ड में जितने भी बाल हैं भाई मोटे हैं, 100% मोटे हैं। अगर मैं आपको दूसरा रिजल्ट दिखाऊं तो भाई आप यहाँ पर देख लो, पैची बियर्ड लॉन्ग हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ बेबी हेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि यार ये मिनोक्सिडिल से आ रहे हैं, ये स्टार्टिंग का रिजल्ट है। ओके, तो चलिए मैं आपको रिजल्ट दिखाते जाता हूँ। और यहाँ पर देख लो भाई, बंदे ने अपने बियर्ड को थोड़ा ट्रिम करा लिया है। ट्रिम कराने से ये फायदा है भाई, तुम्हारे मिनोक्सिडिल कम खर्च होंगे और अच्छे से जड़ जड़ में चले जाएंगे, मिनोक्सिडिल बहुत अच्छा से वर्क करेगा, ठीक। लेकिन भाई स्किन अभी भी दिखाई दे रही है। ओके, ये कितने दिन का रिजल्ट है आपको शायद थंबनेल पर दिखा होगा, लेकिन जेन्युइन बातें तुम्हें वीडियो में ही पता चलेगा। यहाँ पर देख लो भाई, देखो पैची वाले बियर्ड मतलब यार बंदे बहुत परेशान रहते हैं, या तो भाई क्लीन शेव कराओ, या तो तुम अपने बियर्ड को पूरा ग्रो करो, तब जाकर एक अच्छा लुक मिलता है। यहाँ पर देख लो भाई। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट। ये रहा फाइनल रिजल्ट, जो कि यार 48 डे का रिजल्ट है, ये 48 दिन का रिजल्ट है। बहुत अच्छे से वर्क किया है मिनोक्सिडिल, और हाँ इस बंदे ने कौन सा मिनोक्सिडिल यूज़ किया है आपको वीडियो में ये भी पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख लो भाई, ये 40 दिन का रिजल्ट है, मिनोक्सिडिल रिजल्ट आफ्टर 40 डेज, ठीक। और यहाँ पर देख लो भाई, ने वैसे बियर्ड को एक दो बार ट्रिम कराया था, और इनके नेचुरल बियर्ड हैं बट पैची है, तो भाई बियर्ड बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और घने भी होते हैं, और मोटे तो भाई ऑलरेडी हैं। तो चलिए मैं आपको इंस्टा पर लेकर चलता हूँ, और वहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ, अगर तुम्हें पैची बियर्ड है, अगर तुम नए बियर्ड को ग्रो करना चाहते हो, तो भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी। ओके, तो चलो भाई इंस्टा पर चलते हैं, वीडियो पसंद आएगी तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। ओके दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम ओपन कर लिया हूँ। सबसे पहले मैं आपको ब्रांड दिखाता हूँ, बंदे ने कौन सा ब्रांड यूज़ किया था। ओके, तो भाई आप सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लो, 20 दिन का जर्नी मैन मैटर्स का मिनोक्सिडिल 5% के साथ चल रही है, 6 दिन से बायोटीन खा रहा हूँ मार्स का। ओके, तो भाई देखो ये 20 दिन से जो है कि मैन मैटर्स का मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं। देखो अभी पिछले एक हफ्ते में यार मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें एक बंदा था जो कि मैन मैटर्स का मिनोक्सिडिल यूज़ किया, लेकिन भाई गैप करके यूज करता था, गैप करते करते उसे लगभग 3 महीने हो चुके थे, लेकिन भाई उसे रिजल्ट मिला, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। इसलिए मैं बोलता हूँ, देखो जो गैप करेगा भाई, तुम्हारे रिजल्ट में कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर होगा। ओके, तो ये गलती आपको नहीं करना है। तो भाई ये मार्स का भी बायोटीन यूज कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर देख लो भाई, हल्के हल्के बेबी हेयर्स थोड़ी जगह दिख रहे हैं, बट ज़्यादा कुछ भी विजुअल चेंज नहीं आया है। तो देखो यार स्टार्टिंग में तुम्हें दिक्कतें होती है, बट वही रिजल्ट नहीं मिलते हैं, और क्या दिक्कत है, ड्राइनेस वगैरह होते हैं, थोड़ा रिजल्ट किसी को फास्ट मिलता है तो किसी को थोड़ा स्लो मिलता है, लेकिन हाँ अचानक से बूस्ट होते हैं आपके ग्रोथ। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने मैन मैटर्स का मिनोक्सिडिल यूज़ किया है। ज़रूरी नहीं है भाई इनको रिजल्ट आया तो तुम्हें भी आएगा। देखो यार सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करती है, तो भाई अगर तुम अच्छे से यूज करोगे ना तो 100% तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। और इस बंदे ने ये मार्स का बायोटिन भी यूज किया है। ओके, इसलिए इन्हें जो है कि इतना जल्दी बियर्ड आ गई। तो भाई ये स्टार्टिंग किया, बट स्टार्टिंग में उतना अच्छा इनका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, अभी भी स्किन इसमें दिखाई दे रही है। तो चलिए मैं आपको दूसरा रिजल्ट दिखाता हूँ। तो भाई ये तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा लिया हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हें फाइनल रिजल्ट दिखाऊँ तो भाई आप लोग यहाँ पर देखना नीचे सबसे, यहाँ पर रहा ये फाइनल रिजल्ट, यहाँ पर देख लो भाई, ठीक है। बियर्ड तो भाई बहुत तेज़ी से, मतलब देखो जो बेबी हेयर्स थे ना वो भी बहुत तेज़ी से मोटे हो चुके हैं, यहाँ पर आपको बहुत कम बेबी हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर पहले वाले बियर्ड थे, जो नेचुरल बियर्ड होते हैं भाई, मिनोक्सिडिल बायोटीन डर्मा रोलर अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो भाई ग्रो भी होंगे, टर्मिनल भी होंगे, ठीक है, और ऑटोमेटिक तो काला हो ही जाएंगे। जितने भी पतले बाल हैं दोस्त, जब वो मोटे होते हैं ना उनमें जान आता है तो भाई काले हो जाते हैं, मतलब यंग उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो यार देखो बियर्ड में कोई शिकायत नहीं है, वैसे ये 48 डे का रिजल्ट है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कितने दिन का रिजल्ट है। तो भाई यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है रिजल्ट 48 डे। ओके, तो रिजल्ट ठीक ठाक है। देखो भाई अगर तुम्हारी पैची बियर्ड है, थोड़ा मैं आपको रिजल्ट के माध्यम से मोटिवेट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर देख लो, अगर तुम्हारे पैची बियर्ड है तो तुम्हें यार देखो कोई भी 5% मिनोक्सिडिल यूज़ करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ भाई इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है तुम यही यूज़ करो ना, देखो मैं किसी एक मिनोक्सिडिल को सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं सभी मिनोक्सिडिल से जो है कि मेरा ताल्लुक है भाई, सभी से अच्छा रिजल्ट मिलता है। कि कोई कोई ब्रांड देखो यार किसी को सूट नहीं करता है, सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करती है, तो भाई सबको जो है कि अलग अलग तरीके से रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर देख लो बंदे ने डर्मा रोलर यूज़ किया है, बट इनके मुस्टैच के एरिया में थोड़ा रेडनेस देखने को मिलती है भाई। ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप डर्मा रोलर कितने अच्छे से यूज कर रहे हो, आपकी स्किन रेड हो रही है या नहीं। इतने लोग तो भाई मतलब बहुत तेज़ी से रन कराते हैं डर्मा रोलर को, तो ऐसी गलती नहीं करना भाई, आप स्लो स्लो यूज करो। अगर तुम नए हो तो भाई एक नए दिन तुम्हें आदत लग जाएगी, तुम खुद नहीं समझ पाओगे भाई मैं कितना तेज़ी से डर्मा रोलर यूज कर रहा हूँ। ओके, तो भाई अगर आपकी स्किन जो है ना रेड होंगे, तो मिनोक्सिडिल अगर आप लगाओगे, थोड़ा चुनचुनाहट होगी,
तो भाई ठीक ठाक है, बट जैसे आप 15-20 मिनट बिताओगे सही हो जाएंगे, ठीक है। 20-25 मिनट के बाद वो ड्राई सॉरी ये पेन वगैरह धीरे धीरे कम हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर रिजल्ट तो भाई बहुत अच्छी मिली है। अगर मैं ये इमेज दिखाऊँ तो भाई तुम खुद यहाँ पर देख लो, ये था पैची बियर्ड, बट अब इसे कोई पैची बियर्ड नहीं बोलेगा, ओके। ये नेचुरल बियर्ड था और नेचुरल बियर्ड है, बट हाँ जो पैची बियर्ड थे और इनके बीच में जो बेबी हेयर्स थे भाई, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था, ओके। तो भाई न्यूट्रिशन इन्हें मिला और ये जो है कि बाहर बहुत तेज़ी से निकल चुके हैं, ग्रो हो चुके हैं। तो देखो भाई पैची बियर्ड वालों के मुस्टैच और चीर पर जो हेयर्स होते हैं ना भाई, बहुत मोटे होते हैं, ओके। और पैची बियर्ड वालों में देखा गया है भाई उनकी एज भी ओवर हो जाती है। देखो अगर तुम्हारे 16-17 साल है ना तो तुम्हें पैची बियर्ड नहीं आएगी, मानता हूँ। अगर तुम्हारे एज 20-25 हो गई है बट कहीं कहीं पर बियर्ड आई है ना, तो भाई ये पैची बियर्ड में आ जाते हैं, ठीक है, इस कैटेगरी में, ओके। तो बियर्ड आप लोग देख लीजिए 48 डे का है, लेकिन भाई जब ये बंदा 6 महीने तक यूज करेगा तो भाई रिजल्ट मतलब कैसा होगा, जरा आप खुद सोचिए। यहाँ पर देख लो भाई, फोटो थोड़ा ब्लर है बट बेबी हेयर्स बहुत कम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो भाई बस तुम्हें 5% मिनोक्टेल यूज करना चाहिए, 10% यूज करोगे तो भाई रिजल्ट तो उसके बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आप बहुत कुछ तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो भाई मैं देखो किसी को 10% मिनोक्टेल यूज करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन बहुत से बंदे हैं ना 10% यूज कर रहे हैं, बहुत दिक्कतें हो रही है लेकिन फिर भी बंदा जो है यूज कर रहा है, क्योंकि 10% मिनोक्टेल का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, ओके। लेकिन हाँ मैं बोलता हूँ दोस्त, आप लोग मत यूज करना, बियर्ड वाली जो स्किन होते हैं ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये 48 डे का रिजल्ट है दोस्त, रिजल्ट कैसा है आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताना, ओके। और आप प्रोडक्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, अगर आपको देखना है चेकआउट करना है तो भाई देख लेना, ओके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।